मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अवैध रूप से विज्ञापन कर रही संस्थाओं के होर्डिंग, बैनर और पोस्टर पर नगर निगम की ओर से कार्रवाई की गई। बता दें, फूलबाग क्षेत्र में अवैध तरीके से विज्ञापन करने वाले 40 संस्थानों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया, जिनसे 28 लाख रुपए जुर्माना भी वसूला गया। दरअसल शहर में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन इस बार भारत और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अवैध होर्डिंग, बैनर और दीवारों पर लगाए गए पोस्टरों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी, ताकि आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में ग्वालियर प्रदेश में नंबर 1 बन सके। इसी कड़ी में लगातार शहर के अलग अलग क्षेत्रों में नगर निगम इस तरह की लगातार कार्रवाई कर रहा है। हालांकि होर्डिंग तोड़ने की कार्रवाई के दौरान जिन लोगों ने बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, उनकी निगम के अधिकारियों से कहा सुनी भी हुई, लेकिन निगम अधिकारियों ने साफ कह दिया कि नोटिस पीरियड में या तो वो अपने होर्डिंग हटा लें या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत तो कार्रवाई की जा रही है, साथ में जो है इस समय भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन दोनों के निर्देश है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जो है दीवालों पर किसी भी प्रकार का जो है बैनर और पर्चे ना चिपके हो। और वर्तमान में स्वच्छ सर्वेक्षण जो है नज़दीक आ गया है और उसके तहत जो है ये लगातार जो है कार्रवाई जो है नगर निगम ग्वालियर के द्वारा की जा रही है।